हेलो एवरीबॉडी, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस का रिमेनिंग जो दूसरा वाला क्लास है, जो बचा हुआ पोर्शन है, वो हम लोग अभी कवर करेंगे. ओनली टू टॉपिक्स आर लेफ्ट. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर टेकिंग इज शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश अल्टरनेटिव. इसमें स्टोरी ये है कि हम लोग एम्प्लॉई को ऑप्शन देंगे, सिमिलर डिस्कशन या सिमिलर टाइप का ऑप्शन जो हम लोग पहले कवर किए डिस्कशंस में, बस अभी उनको क्या बोलेंगे कि आप चाहो तो इक्विटी ऑप्ट कर लो और आप चाहो तो कैश ऑप्ट कर सकते हो. हो सकता है अमाउंट में डिफरेंस हो, नंबर ऑफ शेयर में डिफरेंस हो सकता है वो वाला चीज हो, लेकिन हम लोग ऑप्शन देंगे कि यू हैव अ चॉइस टू टेक इक्विटी और यू कैन टेक कैश ऑल्सो. तो ये जो डुअल टाइप का ऑफर है, जहां पे ऑप्शन है कि आप ये भी ले सकते हो और वो भी ले सकते हो, ये ऑफर, ये ऑप्शन इंप्लॉई के पास भी हो सकती है और ये कंपनी के पास भी हो सकती है. कंपनी भी ऐसा कर सकता है कि वो चाहे तो कैश दे दे, वो चाहे तो इक्विटी दे दे. सो चॉइस मे बी विद द इंप्लॉई एंड चॉइस मे बी विद द कंपनी. हम लोगों को दोनों को ही कवर करना पड़ेगा. तो ये जो हाइब्रिड टाइप का ऑफर होता है, जिसमें कैश और इक्विटी दोनों ऑफर करते हैं और उनको एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड में जब एक्सरसाइज करने का वक्त आता है, तब उनको ये बोलना पड़ता है कि हम कैश लेंगे, हम इक्विटी लेंगे, ये दोनों साइड से हो सकता है. तो हम लोग अपना पहला डिस्कशन कर रहे हैं जब इंप्लॉई के पास ये चॉइस हो. ओके, अगर इंप्लॉई के पास ये चॉइस है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको बताता हूं, डबल अकाउंटिंग होने के चांसेस रहेंगे. डबल अकाउंटिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना पड़ेगा. कि हम लोग उनको ऑफर दिए कि तुम कैश भी ले सकते हो, तुम इक्विटी भी ले सकते हो, तो अपने को इंड एस 102 के हिसाब से, मेरे पास यहां प्लेस नहीं, मैं थोड़ा प्लेस बना रहा हूं, अपने को इंड एस 102 के हिसाब से जैसे अपन ऑप्शन का फेयर वैल्यू निकालते हैं ना ग्रांट डेट में, तो अपन को वही फेयर वैल्यू निकालना है कैश अल्टरनेटिव का, कि अगर आप कैश लेंगे तो कितना रुपया मेरा कॉस्ट आएगा टोटल. मान लो कॉस्ट आया टोटल 1,00,000 रुपया, फिर हम लोगों को फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा इक्विटी वाला. इक्विटी अल्टरनेटिव में हम उनको जितने भी शेयर दे रहे हैं उसका जो भी फेयर वैल्यू है ऑप्शन का, उस हिसाब से मान लो उसका फेयर वैल्यू है 1,06,000 रुपया. Now, carefully listen. Ind AS 102 बोलता है अगर इक्विटी अल्टरनेटिव बड़ा है, जिसके ज्यादा चांसेस है बड़ा होने के, अगर ये बड़ा है तो आप कैश पेमेंट मतलब लायबिलिटी का अकाउंटिंग 1,00,000 रुपया का करोगे और इक्विटी सेटल्ड अकाउंटिंग 6,000 रुपया का करोगे. भाई मैक्सिमम तो आपको लॉस 1,06,000 ही होगा ना, आइदर और है ना, 1,00,000 और 1,06,000, 2,06,000 तो होगा नहीं. तो आप 1,00,000 का जो कैश का फिगर है ना वो वाला अकाउंटिंग करोगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्विटी अकाउंटिंग होगा, सिमिलर तरीके से जो हम लोग लास्ट वाली क्लास में किए थे, एकदम सेम अकाउंटिंग प्रोसेस होगा. टू, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब 1,00,000 कैश वाला बड़ा है और इक्विटी का फेयर वैल्यू मान लो आया 98,000, इसका चांस बहुत कम है ऐसा होने का, क्योंकि इक्विटी हमेशा ज्यादा ऑफर किया जाएगा, कैश हमेशा कम ऑफर किया जाएगा. बट फिर भी अगर 98,000 इक्विटी आया और कैश बड़ा आया, तो पूरा 1,00,000 रुपया कैश अकाउंटिंग करना पड़ेगा, लायबिलिटी कंपोनेंट, लायबिलिटी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, पूरा 1,00,000 रुपया. और लायबिलिटी अकाउंटिंग जो कैश सेटल्ड में शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी जैसे रिकॉर्ड होता है ना, वैसे ही करना पड़ेगा. तो मान लो हम ये डुअल वाला पढ़ाते हैं आपको, डुअल वाला विल बी मोर इंपॉर्टेंट. तो मान लीजिए अपना लायबिलिटी कैश, उसको बोलते हैं लायबिलिटी कंपोनेंट, मान लो अपना लायबिलिटी कंपोनेंट 1,00,000 रुपया आया और इक्विटी, जो इक्विटी सेटल्ड वाला डिफरेंस, वो 6,000 आया और मान लीजिए 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो आप 1,00,000 रुपया को 3 साल में लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लीजिए,
6,000 रुपीज को 3 साल में इक्विटी में रिकॉर्ड कर लीजिए, आप इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट होता जाएगा, बैलेंस शीट में ये फिगर लायबिलिटी में दिखाया हुआ है और ये फिगर इक्विटी में दिखाया हुआ है, दिखा दीजिए 3 साल में। उसी तरीके से मेजर कीजिएगा जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लायबिलिटी में फेयर वैल्यू चेंज होगा हर साल, इक्विटी में फेयर वैल्यू चेंज नहीं होगा, जैसा डिस्कस किए थे वैसा ही। और इसका भी एक तो बढ़िया एग्जांपल करके फिर क्लोज करूंगा, पहले लेक्चर सुनो। अब क्या है कि बैलेंस शीट में 3 साल में यह बिल्ड हो गया। अब अगर इंप्लॉई ने बोला, ऑप्शन इंप्लॉई के पास है वो वाला पढ़ रहे हैं, अगर इंप्लॉई ने बोला हम तो कैश लेंगे, तो कैश पेमेंट करके इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, किसको, लायबिलिटी वाले अकाउंट को। अगर वो बोला हम कैश लेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो गई। इक्विटी वाला जो अकाउंट है जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसको जनरल रिजर्व में डाल के खत्म कर दीजिए। सो लायबिलिटी विल बी लायबिलिटी टू कैश, इक्विटी विल बी SBPR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सेकेंड, अगर इंप्लॉई ने बोला नहीं हम तो इक्विटी लेंगे, हम इक्विटी लेंगे, तो अगर वो इक्विटी लेगा तो खाली 6,000 का इक्विटी थोड़ी है, 1,06,000 का है ना, पर बैलेंस शीट में तो खाली 6,000 ही दिखाया हुआ है। तो ये लायबिलिटी वाला जो हेड है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, जिसमें 1,00,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इसको उठा करके शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में डाल दीजिए। माने ये 1,00,000 भी इक्विटी की तरह ट्रीट हो जाएगा, पर इक्विटी की तरह ट्रीट होने के लिए इसके बैलेंस को इक्विटी में डालना पड़ेगा, तो आपको एक जर्नल मारनी पड़ेगी, SBPL शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। उसके बाद वो इक्विटी बन गया, फिर इंप्लॉई इक्विटी इशू करेगा तो वो कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस तरह की अकाउंटिंग को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग बोला जाता है, जहां पे डुअल अकाउंटिंग होता है, लायबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है, इक्विटी अकाउंटिंग भी होती है। लायबिलिटी अकाउंटिंग का नाम लायबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी पोर्शन का नाम इक्विटी कंपोनेंट होता है। इंटरेस्टिंग लास्ट वाला डिस्कशन था, लायबिलिटी कंपोनेंट का भी अकाउंटिंग अलग से आप डिस्कस कर चुके हो, इक्विटी भी डिस्कस कर चुके हो, इंटरेस्टिंग लास्ट वाला था। अगर इंप्लॉई कैश मांगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इंप्लॉई कैश मांगा, लायबिलिटी कंपोनेंट तुरंत पे करके खत्म कर दो, इक्विटी कंपोनेंट को जनरल रिजर्व में डाल के खत्म कर दो। अगर इंप्लॉई इक्विटी मांगा तो लायबिलिटी कंपोनेंट वाला पैसा को पहले इक्विटी में घुसा दो, फिर इक्विटी कंपोनेंट का कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर करके क्लोज करो। इसका एक एग्जांपल है, ये जर्नल दिखाया हुआ है, अपनी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक सेकेंड पोर्शन है, व्हेन कंपनी हैज द चॉइस ऑफ सेटलमेंट, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इंप्लॉई हैज द चॉइस ऑफ सेटलमेंट पे एक एग्जांपल करने का है, जो डिस्कशन किए ना उसको क्लियरली थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट आप हो जाओ, उस तरह का डिस्कशन कर देता हूं। चेक, टाटा ने ऑप्शन दिया इंप्लॉई लोगों को, अपने एक ही जन को, की मैनेजमेंट पर्सन को, ऑप्शन ये था कि आप अगर कैश लेना चाहो तो 74,000 शेयर के बराबर कैश ले लेना, आप अगर इक्विटी लेना चाहो तो 90,000 शेयर मांग लेना। इक्विटी में देखिए नंबर ज्यादा है। कंडीशन रहेगा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड रहेगा, और अगर आप इक्विटी लेंगे तो आपको 2 साल बेचने नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन टू सेल है 2 साल का, तो अगर 2 साल बेचने नहीं मिलेगा तो वैसे ऑप्शन का फेयर वैल्यू थोड़ा कम रहेगा, कैश का फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, और इक्विटी के केस में फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इसलिए कम है कि आपको 2 साल बेचने नहीं मिलेगा। वी विल सी, ये देखिए, यहां देखिए, इक्विटी प्राइस विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल ऑफ 2 ईयर्स 115, माने ये 90,000 का फेयर वैल्यू है 115 पर शेयर, और ऑप्शन का फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट है 135, इसका है 135। सो रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर आप जाएंगे तो 115, ये रहा देखिए, इक्विटी में रेस्ट्रिक्शन है ना, कैश में तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका 135। अब करना क्या है मालूम,
पहले 74,000 को 135 से मल्टीप्लाई करो एंड द अमाउंट केम 99.9 लाख में बोल रहा हूं। 90,000 को 115 से मल्टीप्लाई करो द अमाउंट केम 90 को 115 से मल्टीप्लाई करो 103.5। ये हो गया लायबिलिटी कंपोनेंट। और क्योंकि ये इक्विटी वाला वैल्यू बड़ा है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अल्टरनेटिव बड़ा है, तो डिफरेंस को बोलेंगे इक्विटी कंपोनेंट। 103.5 माइनस 99.9 तो 3.6 इज द इक्विटी कंपोनेंट। तो मैं नीचे लिखता हूं लायबिलिटी कंपोनेंट इज 99.9 लाख एंड इक्विटी कंपोनेंट इज 3.6 लाख बिकॉज मैक्सिमम 103.5 का पेमेंट होगा मैक्सिमम। कभी भी ये मत समझना इसमें आइदर और है, आइदर यू टेक कैश और यू टेक शेयर्स, यू कैन टेक बोथ, आइदर और है। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी इज 103.5, उसमें से हम लोग कैश लाइबिलिटी कंपोनेंट जिसको स्टॉक अप्रिसिएशन राइट भी बोलते हैं, एसबीपी लाइबिलिटी भी बोलते हैं, उसका अकाउंटिंग करेंगे 99.9 और 3.6 इक्विटी अकाउंटिंग करेंगे। तो इक्विटी अकाउंटिंग का क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज नहीं होता है तो इक्विटी को 1.2 3.6 डिवाइडेड बाई 3, 360,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 120,000 करके 3 साल में डाल देंगे पीएल में और रिजर्व बन जाएगा। और ये जो 99.9 लाख है इसका फेयर वैल्यू हर साल चेंज होगा। अभी तो ये 74,000 इंटू 115 करके, नहीं 135 करके आया है ना, 74,000 इंटू 135, ईयर एंड में 138, फिर 140, फिर 147 है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। उस तरह से लाइबिलिटी का अकाउंटिंग हो जाएगा। आगे बोला पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, बाकी लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ कैश अल्टरनेटिव 99 लाख 90,000 जो डिस्कस किए, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अल्टरनेटिव 103 लाख 50,000, सो लायबिलिटी कंपोनेंट 99.9 लाख, इक्विटी कंपोनेंट 3.6 लाख। अब लायबिलिटी कंपोनेंट को ईच ईयर फेयर वैल्यू रीमेजर करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे देखिए, 74,000 इंटू फर्स्ट ईयर एंड का फेयर वैल्यू इज प्रीवियस में जाके देखूंगा 138, नेक्स्ट में आ गए इंटू 138 इंटू 1/3, प्लीज आई एम डूइंग इट विथ माई कैलकुलेटर, इट इज कमिंग 34,04,000। ये रहा देखिए 34,04,000, ये लायबिलिटी अकाउंटिंग और ये 1/20 इक्विटी अकाउंटिंग। नाम देखिए शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी लायबिलिटी, टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में चला गया, सो एक्सपेंस बुक हो गया लायबिलिटी में इतना और रिजर्व में इतना चला गया। सेकेंड ईयर दिस 138 बिकेम 140 प्रीवियस 140 नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, 74,000 इंटू 140 इंटू 2/3 माइनस 34,04,000 सेकेंड ईयर का लायबिलिटी फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से रीमेजर हो रहा है। इक्विटी का फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वो 120,000 ही है, लेकिन लायबिलिटी का फेयर वैल्यू चेंज हो गया 74,000 इंटू 140 इंटू 2/3 क्यूमुलेटिव कैचअप ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट माइनस 34,04,000 एंड द अमाउंट केम 35,02,667 लास्ट ईयर में दिस 140 बिकेम 147 या तो ये हो जाएगा 74,000 इंटू 147 इंटू 3/3 तीन साल में 3/3 करने की जरूरत नहीं है माइनस दिस 34,04,000 माइनस दिस 35,02,667 दो साल पुराना डेटा माइनस करेंगे उस अमाउंट से एंड द फाइनल अमाउंट केम 39,71,333 ये 120,000। नीचे वाला पॉइंट देखिए, अभी तीन साल में क्या हुआ, टोटल लायबिलिटी बिल्ड हुआ 108,78 का। कैसे, द फर्स्ट वन वाज 34,04,000, द सेकेंड वन वाज 35,02,667
एंड द थर्ड वन वॉज 3971333। अगर इस तीनों लाइबिलिटी को आप जोड़ोगे तो इट बिकेम 108 लाख एंड रफली अराउंड 78,000। मैं पेज चेंज कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। अगर इंप्लॉई लोग रुपया मांग लिया तो 108,78,000 कैश पेमेंट कर दो, लाइबिलिटी खत्म। और इक्विटी में जो बैलेंस बचा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का, उसको जनरल रिजर्व में डालो, खत्म। लेकिन अगर इंप्लॉई लोग शेयर मांग लिया तो ये जो 108,78 एसबीपी लाइबिलिटी है ना, इसको पहले रिजर्व में डाल दो, एसबीपी रिजर्व। तो अपना रिजर्व में टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 3,60,000 पहले से था और हम लोग 108,78 और डाल दिए तो टोटल रिजर्व में आ गया 111,38,000। देखिए मैंने पीछे में करके दिया है क्या, यस करके दिया है, देखो 112,38 आ रहा है, क्यों, हाँ 360 है ना, तो 108,78 और 360, 112,38, सॉरी मेरा टोटलिंग में एरर था, 112,38, यस। वो 112,38,000 फिर कैपिटल और प्रीमियम में चला जाएगा। इसमें बैंक एंट्री भी आएगी, अगर ऑप्शन का पैसा हम लोग लेंगे, कुछ तो लेंगे ही ना शेयर का। तो ये स्टोरी है, अगर इंप्लॉई के पास चॉइस है तो, इंप्लॉयर के पास चॉइस होने से डिस्कशन अभी बाकी है। सो लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट ऑफ द गेम। अगर इंप्लॉई के पास चॉइस नहीं, इंप्लॉयर के पास चॉइस है, मान लो कंपनी के पास चॉइस है, तो फिर ज्यादा चांस है कि पहले कंपनी ये डिस्कस करेगा, खुद अपने मैनेजमेंट वाले लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे कि इज देयर ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश, क्या ऐसा लगता है कि कैश पेमेंट होगा, क्या हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। इफ द आंसर टू दिस इज यस, देन लाइबिलिटी अकाउंट होगा, एसबीपी लाइबिलिटी पूरा टोटल। इसमें हाइब्रिड अकाउंटिंग नहीं होता है, अगर कंपनी के पास चॉइस है तो आइदर और अकाउंटिंग होगा, डुअल अकाउंटिंग दो बार नहीं होगा। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश है तो फुल इज लायबिलिटी, और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, इफ द आंसर इज नो, तो फुल इक्विटी। माने या तो 99,90,000 का अकाउंटिंग होगा इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश, या फिर 103,50,000 का अकाउंटिंग होगा वन शॉट में इफ देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो यहां देखिए डायग्राम मैंने बना करके दिया है, एक बार आप स्लाइड को देखो। द एंटिटी हैज टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश, देन इट इज अ लायबिलिटी, इफ नो सच ऑब्लिगेशन इट इज एन इक्विटी। सो विद दिस द शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश ऑल्टरनेटिव इज ओवर। इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने बढ़िया से कवर कर लिया। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा दिस वन इज ग्रुप कंपनीज इश्यूइंग शेयर्स टू द इंप्लॉईज ऑफ अदर मेंबर। वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल रियली रियली लव इट। और तुम सारे लोगों का ना, ये प्रोफेशनल लोगों का ये हैपनिंग चीज है, 10 मिनट का भी डिस्कशन नहीं है, 7 से 8 मिनट का डिस्कशन है। सी दिस, मान लीजिए ए लिमिटेड इज पैरेंट, बी लिमिटेड इज 100% सब्सिडरी। ए ने बी के इंप्लॉई को, बी के यहां वो काम कर रहा है इंप्लॉई, ए ने बी के इंप्लॉई को शेयर दिया, ए ने दिया बी के इंप्लॉई को, खर्चा बी का है, इंप्लॉई बी को सर्विस दे रहा है, ए ने लेकिन उसको दिया शेयर। तो ए अगर शेयर ऑफर बी को करता है, बी के इंप्लॉई को करता है, तो ये माना जाएगा ए ने इन्वेस्ट किया है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ए काइंड में बी को पेमेंट किया है कुछ,
तो ए अपना बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वैल्यू विल गो अप, और क्रेडिट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेगा बिकॉज आफ्टर ऑल शेयर ऑफर हुआ है, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है, होल्डिंग ने शेयर ऑफर किया है, तो होल्डिंग की बुक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। सब्सिडरी का इंप्लॉई है, सब्सिडरी को सर्विस दे रहा है, तो सब्सिडरी इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस लिखेगा, उसका एक्सपेंस है, और टू लिखेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। जैसे अपन बचपन में छोटा में जब पढ़ते थे कैश टू कैपिटल टाइप का, वो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये केस तब का है अगर होल्डिंग, समझ में आ गया, होल्डिंग सब्सिडरी को, सब्सिडरी के इंप्लॉई को शेयर ऑफर करता है। जर्नल देखिए, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी कैपिटल इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि अल्टीमेटली फिर शेयर कैपिटल में या इक्विटी में जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। यहां मैंने लिखा है, देखिए, टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह अगर आपको नाम देना हो तो ये डिपेंड करेगा कि सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी हो रहा है वो, या प्रेफरेंस हो रहा है, या क्या क्या चीज में इन्वेस्ट कर रहा है होल्डिंग, वो उसके हिसाब से क्रेडिट है, क्रेडिट का एंट्री आ जाएगा। अगर सब्सिडरी ऑफर कर रहा है, मान लो बी लिमिटेड विच इज द सब्सिडरी, वो अगर ए के इंप्लॉई को ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए को इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस लिखना है। बी ने ए को दिया है पैसा काइंड में, शेयर ऑफर किया, ए के इंप्लॉई को शेयर ऑफर किया है, लेकिन माना जाएगा ए को दिया है, तो बी बोलेगा आई पेड डिविडेंड। तो एक्चुअली बी लिमिटेड इज पेइंग डिविडेंड, तो बी अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग को गिरा देगा, तो बी के बुक में अकाउंटिंग आएगी रिटेन्ड अर्निंग डिविडेंड पेमेंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही ना, क्योंकि शेयर कैपिटल इश्यू हो रहा है ना बी के बुक्स में, और ए डिविडेंड इनकम लिखेगा, तो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। इंटरेस्टिंग, सब्सिडरी अगर दे रहा है तो डिविडेंड दे रहा है, अगर होल्डिंग के इंप्लॉई को सब्सिडरी शेयर ऑफर कर रहा है तो सब्सिडरी इज पेइंग डिविडेंड, होल्डिंग इज रिसीविंग डिविडेंड, लेकिन अगर होल्डिंग दे रहा है तो होल्डिंग इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी इज गेटिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जर्नल करके मैंने दिखाया, देखो, होल्डिंग की बुक्स में इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू डिविडेंड इनकम, सब्सिडरी की बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेट मी सी इफ देर इज एन एग्जाम्पल, यस देर इज एन एग्जाम्पल टू डिस्कस दिस, लेट अस डू दिस एग्जाम्पल एंड फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लास्ट सम, कंपनी पी है, होल्डिंग कंपनी है, बी इज द सब्सिडरी, ग्रुप का शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है, पैरेंट इश्यूज शेयर्स टू द इंप्लॉइज ऑफ बी, नंबर ऑफ इंप्लॉइज 100, फेयर वैल्यू 87, नंबर ऑफ शेयर पर इंप्लॉय 25। पहले फेयर वैल्यू निकाल लो, 100 इंटू 25 इंटू 87, तो 100 इंटू 25 इंटू 87 बिकेम 217,500। कौन पैसा, किसका शेयर इश्यू हो रहा है, होल्डिंग का, हाँ होल्डिंग, तो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिखेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैपिटल 217, एक साथ इश्यू हो जा रहा है ना, वेस्टिंग कंडीशन तुरंत है। और सब्सिडरी कंपनी विल राइट इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 217,500। चेक द आंसर, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी कैपिटल बुक्स ऑफ पी, बुक्स ऑफ बी, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं फिर से क्लोज करता हूं बोल करके, फिर से बोलता हूं कि ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में यू डोंट नो कि ये 217,500 सब्सिडरी ने बाई होल्डिंग अगर इन्वेस्ट किया तो सब्सिडरी का इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अफेक्टेड होगा, वो लेटर ऑन पार्ट का डिस्कशन है, वो
आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे कि एडिशनल इक्विटी शेयर मैं दे दूं क्या तुमको या क्या करूं, या रिजर्व एंड सरप्लस में डाल करके रख दो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ये डिपेंड करता है। इसके बारे में मेरे क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी नहीं है। सो विद दिस आवर डिस्कशन ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 इज ओवर। थैंक यू।